किसान जो किसान प्रताड़ित थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन जबरदस्ती आप ले रहे हैं, 97 का मुआवजा दे रहे हैं, उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब लड़ रहे हैं, आप वैदी सिटी जबरदस्ती जमीन किसानों की ले रहे हैं, काशी द्वार की जमीन जबरदस्ती ले रहे हैं, उनको जेल में भेजा, एयरपोर्ट की जमीन उन्होंने पौने दाम पे ले रहे हैं किसानों की, और जो स्टेडियम बन रहा है उनकी जमीनों को ले रहे हैं, उन हम वहां के किसानों से नहीं मिले, हम केवल बनावटी या दिखावटी जो भाजपा के लोगों के ने इकट्ठा करके ले आए उनसे मिल लिए। जो किसान प्रताड़ित है, जो आंदोलन कर रहा है, जिसकी जमीन ली जा रही है, जिसको जेल भेजा, उससे मिलिएगा तब उस समस्या का समाधान होगा, तब किसानों के जो दुखते हुए जो दुखता हुआ उनका जो आज दर्द है उस दर्द को तभी दूर कर पाएंगे, तभी उसका मलहम लगा पाएंगे। जो नियम के विरुद्ध उनका मुआवजा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल उनको मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है, और बहुत लोगों को तो मुआवजा दिया ही नहीं जा रहा है, जबरदस्ती ली जा रही है, और कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट नगर का मुआवजा 97 का दिया जा रहा है। ऐसा क्यों अत्याचार किया जा रहा है? किसान आज हमारा बैकबोन, हमारी रीढ़ है, हम सब लोग उनके साथ खड़े, उनके साथ खड़ेंगे। ये वो किसानों से मिले, फिर आकर के गंगा आरती किया, फिर वो भवन सभा से मिले, ये तो बनारस की परंपरा के साथ उन्होंने काम किया, बनारस की परंपरा के साथ किया, पर बनारस की परंपरा के साथ किसान जो पीड़ित पक्ष है उससे मिलना चाहिए था, जो गलियों में जो परेशान है उससे मिलना चाहिए था, राजघाट पे भी जबरदस्ती जमीन आपने लिया है, तोड़ दिया लोगों का घर मकान तोड़ दिया, उसको उन लोगों से कभी नहीं मिले आप, तो केवल तोड़ना केवल तोड़ने का काम है आपका, जोड़ने का काम, गली में किस घर गए, किसी घर गए हो तो बता दीजिए, किसी परिवार में इनके जाने का कार्यक्रम हुआ है, उसके ठीक बगल 2 किलोमीटर पे दूरी पर बेनीपुर महेश पट्टी, वहां भाजपा के लोगों ने मुन्नीलाल मौर्या को मारा, उनके बेटे को मारा, उनकी बेटी को मारा, उनके बहू को मारा, मुन्नीलाल मौर्या पर एफआईआर हो गई है, वो एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, पर वो घटना जो करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके घर जाना चाहिए था, या उनके घर के लोगों से बुलाकर मोदी जी मिलते, या उनके घर पर योगी जी को और केशव मौर्य जी जो बिरादरी के बड़े नेता बनते हैं उनको भेजना चाहिए था, क्यों नहीं गए? मैं आज आप लोगों से क्षमा मांगते हुए वहां गया था और वहां से होके भी आया हूं, पूरी तरीके से प्रताड़ित है परिवार, वहां के एसओ, वहां के चौकी इंचार्ज पूरे पुलिस मिली भगत करके आज वो घटना घट गई। जाकर आज उनके बेटे कमलेश मौर्य ने मुझसे कहा कि हमने जिला अध्यक्ष भाजपा के से भी कहा था और उस पर कोई कार्रवाई तस्वीर बने, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और केवल हमें आश्वासन मिला और मेरे पिताजी की हत्या। कल गंगा की विधिवत पूजा किया उन्होंने और कहा कि गंगा ने गोद ले लिया है, वो एकदम बिल्कुल निश्चित तौर से बहुत अच्छा पूजन किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, पर एक आग्रह हम लोगों ने किया था कि निश्चित उसके पहले गंगा जी में 5 डुबकी लगाना चाहिए था, अगर गंगा जी के बेटे हैं आप, दिखावटी बनावटी बेटे नहीं हैं, तो कल गंगा जी में वहीं जो राजेंद्र प्रसाद घाट है वहीं पर एक नाला बह रहा है जिसपे रोज आरती होती, नीचे नाला बह रहा है, वहीं पर 5 डुबकी प्रधानमंत्री जी लगाते तो गंगा जी की वस्तुस्थिति पता चल जाती, माँ की स्थिति जो उसको माँ कह कहा पे बनावटी बेटे आप नहीं होते साबित हो जाता कि आप असली बेटे हैं, और साबित हो जाता आप जाके नहाते और तब उसके बाद आरती करते, मैं समझता हूँ कि सारी स्थिति सामने आ जाती और निश्चित आप सारी चीजों से अवगत हो जाते। राहुल जी का जन्मदिन है, किस तरह से मनाएंगे आप? राहुल जी का जन्मदिन है, हम सब लोग राहुल जी के जन्मदिन पर कुछ शुभकामनाएं देते हैं, वो लड़ने वाले व्यक्ति, संघर्ष करने वाले ईमानदार व्यक्ति, हम सब लोग उनके इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से वो दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, ये भावना से प्रार्थना करते हैं। आज से हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय कर दिया उत्तर प्रदेश में कि हम 1,62,000 हमारे बूथ हैं वहां से हम वृहद वृक्षारोपण राजीव गांधी वृक्ष अभियान हम शुरू करेंगे और ये बरसात की पहली जो बरसात होगी वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों पेड़ को इस सरकार ने काटा है अनियोजित विकास के नाम पे और पेड़ नहीं लगाए। कांग्रेस पार्टी पूरे लगभग ये 3-4 साल हम सब लोग वृक्षारोपण करेंगे और आज मैं स्वयं लखनऊ के यूथ कांग्रेस कार्यालय में 5:30 बजे के आसपास एक वृक्षारोपण वहां करूंगा और वहीं से हम लोग संकल्प लेकर पूरे प्रदेश में इस अभियान को बरसात में शुरू करेंगे। आज कार्यालय में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस पेड़ की देखरेख बाहर नहीं हो पाएगी, कार्यालय में हमारा माली है, हमारा स्टाफ है, उस पूरे वृक्ष को देखभाल करेगा और पूरे 3 साल हम इस अभियान को लेकर चल रहे हैं।